एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बीजेपी पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी जश्न मना रही है और केंद्र सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो 15 लाख रुपए जनता को देने का वादा किया था वह आखिर कब पूरा होगा, आखिर कब 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार उनकी सुध कब लेगी, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है लेकिन सरकार ने इससे और कुछ नहीं किया। वहीं हरीश रावत ने प्रदेश के बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह अजीबोगरीब सरकार है, इस सरकार के नेतृत्व में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, नलों में पानी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा यह तमाम सवाल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं, अब सरकार को इन सवालों का जवाब जनता को देना ही होगा। पूरे हुए हैं सर, तो वो जश्न जो मना रही है ना पूरे देश भर में 9 साल के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या 10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा, बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है, ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, जो है तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें भर्तियां नहीं, ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं, इनसे भी कई सवाल हैं। अच्छा सर, हरिद्वार की अगर बात की जाए